All. Hello, good afternoon everyone and welcome to Amul India Live session. मेरा नाम स्वप्ना है और मेरा YouTube चैनल है SI Culinary के नाम से, जो मैंने कैप्शन में दिया है आपको दिखाई देगा. तो मेरा ये थर्ड टाइम है अमूल लाइव के साथ. तो आज मैं 31st का मौका है और कल से न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आज कुछ मीठा दिखाने वाली हूँ जिसका नाम है चॉकलेट वॉलनट फज. तो इसका नाम शायद आपने सुना होगा, लोनावला का बहुत ही फेमस है ये. लोनावला की जैसे चिक्की फेमस है, वैसे ही ये फज भी बहुत ज्यादा फेमस है. तो इसके 3-4 वेरायटी के फज वहां पे मिलते हैं, लेकिन मैंने वॉलनट के साथ जो फज है वो चूज किया है, क्योंकि वॉलनट के साथ चॉकलेट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है. तो आज मैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही इजी तरीके से कैसे बनाया जाए ये फज, ये दिखाने वाली हूँ. तो चलिए देखिए हमें क्या क्या लगेगा. तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे अमूल का कंपाउंड चॉकलेट लिया है. ये कुकिंग चॉकलेट होता है, इसे कंपाउंड चॉकलेट भी कहते हैं. और ये मैंने लिया है करीबन 200 ग्राम. तो हमें एक कटोरी भर के ये ऐसे चॉकलेट लेना है. और ये मैंने यहाँ पे अखरोट लिए हैं. अखरोट ये मैंने थोड़े से क्रश करके लिए हैं, ज्यादा क्रश नहीं किए हैं, थोड़े से ऐसे बड़े बड़े भी टुकड़े रखे हैं इसमें. और यहाँ पे हमें लगेगा मिठाई मेड, अमूल का मिल्क मेड लिया है मैंने. और हमें लगेगा खोया, अमूल का खोया मैंने लिया है. और हमें लगेगा अमूल का बटर. तो सिर्फ मैंने, आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने 5 इंग्रेडिएंट लिए हैं और इसी 5 इंग्रेडिएंट में हमारी डिश एकदम बढ़िया से तैयार होने वाली है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, गैस ऑन कर दिया है. इसमें मैं अभी बटर डालने जा रही हूं. तो ये जो बटर है मैंने करीबन 2 चम्मच लिया है, इतना नहीं लगने वाला है. 2 चम्मच मैंने बटर लिया है. ये हम गर्म होने देंगे. आपको कुछ सवाल पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं. ये बहुत ही इजी रेसिपी है, लोनावला में बहुत ज्यादा ये पसंद की जाती है, स्पेशली लोग जाते हैं इस डिश के लिए. पर अभी ये जो रेसिपी मैं घर पे बनाने वाली हूं तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही इजी है. लोनावला जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे आराम से ये रेसिपी बना सकते हैं. अभी देखिए ये मेल्ट हो गया है, तो इसमें मैं चॉकलेट डाल देती हूँ. ये प्लेन चॉकलेट का फज भी वहां पे मिलता है, पर अखरोट के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. इसी के साथ, आपके घर में अगर अखरोट नहीं है तो फिर आप कैशू भी यूज कर सकते हो, आलमंड भी यूज कर सकते हो, आपको जो ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है वो भी यूज कर सकते हो. तो ये भी हमें मेल्ट करना है अच्छी तरह से. ये भी जल्दी ही मेल्ट होने वाला है. ये मैंने सब क्वांटिटी सेम ली है, तकरीबन मैंने सभी क्वांटिटी एक एक कटोरी ली है. अगर आपको मेजरमेंट चाहिए तो 200-200 ग्राम मैंने सब कुछ लिया है. अभी मैं गैस थोड़ी धीमी कर देती हूँ, ये थोड़ा मेल्ट हो चुका है. अब मैं इसमें मिल्क मेड डाल देती हूँ. ये भी मैंने पूरा डाला है, 200 ग्राम मिल्क मेड लिया है मैंने. तो ये भी हम मिक्स कर लेते हैं. न्यू ईयर
के लिए झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगने वाला है। आप इसमें इसेंस भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको इसेंस बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं तो वेनिला इसेंस या आलमंड इसेंस, केशर इसेंस, कौन सा भी इसेंस इसमें जाएगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है क्योंकि चॉकलेट को अपना खुद का एक फ्लेवर रहता है तो उससे ही बहुत बढ़िया स्वाद आता है, इसलिए मैंने कुछ इसेंस नहीं यूज किया है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये भी पूरा ऐसे मिक्स हो गया है, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो मैं यहाँ पे अभी आलमंड ये डालने वाली हूँ, अखरोट। तो अखरोट मैंने ऐसे क्रश करके लिए है, थोड़े से ज्यादा पाउडर नहीं बनाई है क्योंकि ये बीच बीच में ऐसे खाने में जो आता है ना, फिर अच्छा लगता है वो जो टुकड़े रहते हैं उसके, तो वो बहुत बाइट में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ज्यादा पाउडर नहीं बनाई है इसकी। तो देखिए ये भी गाढ़ा हो चुका है, तो अब मैं इसमें खोया डाल देती हूं। अमूल का जो ये खोया है 200 ग्राम का पैकेट है, ये मैं पूरा डाल रही हूं। इससे बहुत ज्यादा टेक्सचर बढ़िया आता है इसको। और आपने गौर किया होगा कि ये सब इंग्रेडिएंट मैंने जो यूज किए हैं ये पूरे आपको फास्ट में चल सकते हैं। अगर आपको फास्ट है तो आप आज भी खा सकते हैं, बहुत लोगों को आज फास्ट रहता है थर्सडे को, तो ये डिश वो खा सकते हैं इजीली। तो हमें ये एकदम धीमी आंच पे अभी थोड़ा सा पकाना होगा। और ये जो फज है, ये जो लोनावला में मिलता है, ये छोटे छोटे कंटेनर में मिलता है, प्लास्टिक के छोटे छोटे कंटेनर रहते हैं, ऊपर से ढक्कन से पैक किया हुआ रहता है। तो अगर हमें ये ऐसे रखना है तो 10-15 दिनों तक ये आराम से रहता है फ्रिज में। तो आपके पास अगर कौन सा भी ढक्कन वाला कंटेनर हो, ऐसे फ्लैट वाला कंटेनर, तो उसमें ये डाल के आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। और ये ऐसा थोड़ा सेमी लिक्विड ही रहता है, इसे चमचे से वो सर्व करते हैं, स्पून से खाना पड़ता है। लेकिन आपको अगर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी चाहिए, अगर आपको इसकी बर्फियां बनानी है, तो इसे थोड़ा और हमें पकाना होगा। तो ज्यादा पकाया तो फिर ये गाढ़ा होके बाद में ठंडा होने के बाद उसकी बर्फियां भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ चॉकलेट वॉलनट फज, जो लोनावला की बहुत ही पॉपुलर डिश है। घर पे बैठे आप इजी तरीके से ये बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। 5 ही इंग्रेडिएंट मैंने यूज किए हैं यहाँ पे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं जरूर। थैंक यू जी, थैंक यू टीपू सुल्तान, थैंक यू अमित त्रिवेदी। तो हमें ये थोड़ा पकाना होगा। और यस शर्बानु, मैं अभी रिपीट कर रही हूँ रेसिपी को। मैंने सबसे पहले यहाँ पे बटर लिया है जो कि 2 चम्मच मैंने पैन में गरम कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 200 ग्राम तकरीबन चॉकलेट डाला है, वो कुकिंग चॉकलेट होता है, कंपाउंड चॉकलेट अमूल का, वो डाला है। और उसके बाद ये मेल्ट होने के बाद मैंने उसमें मिल्क मेड डाला है, वो भी 200 ग्राम डाला है। तो वो भी 2 मिनट के बाद मैंने अखरोट डाल दिए हैं क्रश करके, और अभी मैंने खोया डाला है। ये सब मैंने 200-200 ग्राम यूज किया है, सिर्फ अखरोट उसमें थोड़ा सा कम लिया है, 150 ग्राम के तकरीबन होगा, बाकी का सब 200 ग्राम है, और बटर सिर्फ 2 चम्मच लिया है। थैंक यू कुसुम।
तो अभी मैं थोड़ा सा गैस बढ़ा देती हूँ ताकि ये जल्दी से गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होने के बाद हम इसे निकाल सकते हैं। खोया के बजाय हम यूज़ कर सकते हैं सेजल जी। हमें फिर दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करके रबड़ी या फिर मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अमूल की मिल्क पाउडर मिलती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जल्दी से ड्राई हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा मिल्क मिक्स कर लीजिए पहले मिल्क पाउडर में, और फिर ये खोया के बजाय आप यूज़ कर सकते हैं। खोया भी बहुत इजीली अवेलेबल रहता है अमूल का। थैंक यू अमित त्रिवेदी। आप जरूर ये रेसिपी बना के देखिए घर पे, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी और बड़े भी बहुत स्वाद लेकर खाएंगे। क्योंकि ये हम जब जाते हैं लोनावला में तो हमेशा लेकर ही आते हैं उससे, यानी स्पेशली बड़े बहुत सारे लोग तो स्पेशली वहां पे जाते हैं ये फज लाने के लिए। तो ये फज आप बहुत ही इजी तरीके से घर पे बैठ के ही बना सकते हैं। ये आप अगर कंटेनर में रख देंगे फ्रीज के अंदर पैक करके ठंडा होने के बाद, तो ये आराम से 10-15 दिन तक टिक जाता है। इसे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि हमने ये सब पकाया है, इसमें मीठा भी गया है, इसमें शुगर बहुत सारी गई है ऑलरेडी, तो ये खराब नहीं होने वाला है। फ्रीज में ये रखना है, ऐसे फ्लैट से कंटेनर पे रखना है ये, और ऊपर से हम अखरोट थोड़े से मैंने निकाल के रखे हैं, वो ऊपर से मैं इसमें सर्व करने के बाद मैं ऊपर से डालने वाली हूँ। और मैंने जैसे कि बताया, हम इसकी बर्फियाँ नहीं बनाने वाले हैं, इसे मैं थोड़ा सा लिक्विड ही रहने देने वाली हूँ, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाने वाली हूँ। जी अमित त्रिवेदी जी, आप अगर मिल्क मेड नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं, पर लेकिन वो मिल्क पहले आपको गाढ़ा करना पड़ेगा गैस के ऊपर, और फिर उसमें शुगर मिला के फिर उसका मिल्क मेड भी घर पे भी बना सकते हैं। मिल्क मेड कैसे बनाते हैं वो मैं जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाली हूँ, वो भी बहुत ईजी तरीका है। मिल्क को गाढ़ा करके उसमें शुगर डाल के हम मिल्क मेड बना सकते हैं, और वो हम मिल्क मेड की जगह यूज कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी बन गई है, हमें और थोड़ा गाढ़ा करना पड़ेगा। जी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए मैंने आज स्पेशली ये डिश चूज की है। स्वीट डिश आज मैं बना रही हूँ, और उसका नाम है चॉकलेट वॉलनट फज, जो लोनावला में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। यस अमित त्रिवेदी जी, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है SI कलिनरी, मेरे कैप्शन में आपको दिखाई देगा, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी स्वीट डिश डाली हैं और बहुत सारी ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन रेसिपीज भी आपको देखने को मिलेंगी, तो आप जरूर जाके एक बार देखिएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है, सब मैंने मिक्स कर दिया है और ये गाढ़ा होने के लिए रख दिया है। बाकी कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा वर्क बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम इसमें काम है और बहुत ही टेस्टी डिश बन जाती है।
मैं शेफ हूँ, हाँ, होममेड होम शेफ हूँ मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है। यस अमित त्रिवेदी जी, जरूर मैं लिंक सेंड करूंगी। देखिए और भी गाढ़ा हो चुका है, सिर्फ हमें ये गैस के ऊपर गाढ़ा करते रहना है। जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा ये हमारी डिश रेडी हो जाएगी। बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है इसमें से। मैंने जैसे कि बोला, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर रहता है चॉकलेट में, अमूल के चॉकलेट में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी उसमें अरोमा रहता है। तो हमें कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं बता देती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कौन सा भी इसेंस यूज़ कर सकते हैं, कौन सा भी। आजकल वो बहुत सारे इसेंस मिलते हैं, रोज इसेंस मिलते हैं, केवड़ा इसेंस मिलता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप कुछ इनोवेशंस भी कर सकते हैं। मैंने जैसे अखरोट यूज किए हैं, आप कौन सा भी ड्राई फ्रूट यूज करके बना सकते हैं। आप ड्राई अंजीर के साथ भी बना सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पे एक अंजीर की एक रेसिपी डाली है मैंने, वो भी बहुत बढ़िया बनती है अमूल के साथ। अंजीर की बर्फी बनाई है, वो भी इसी तरह से हम बना सकते हैं। इसमें अखरोट की जगह आप अंजीर डाल देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया अंजीर की बर्फी बन जाएगी, और ज़्यादा गाढ़ा करने पे ये बर्फी बन जाएगी। बीच बीच में हमें ये गैस बड़ा करना है और छोटा भी करना है, कंसिस्टेंसी देख के हमें ये एडजस्ट करना है। जलने नहीं देना है और गाढ़ा भी होते रहना चाहिए। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए बता देती हूँ, मैं अखरोट वॉलनट फज बना रही हूँ आज। वॉलनट फज, चॉकलेट वॉलनट फज बना रही हूँ और बहुत ही इजी है। मैंने सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, बटर, अखरोट, कुकिंग चॉकलेट जो कि कंपाउंड चॉकलेट कहते हैं, और मिल्क मेड। तो इसी के साथ ये रेसिपी पूरी बन जाएगी। 5 इंग्रेडिएंट लगते हैं सिर्फ। अमूल की जो इसमें मैंने 4 प्रोडक्ट तो अमूल के ही यूज़ किए हैं और एक ही अखरोट जो है वो अलग से लिया है। देखिए अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है। अगर जैसे कि मैंने बोला आपको, अगर बर्फियाँ इसकी बनानी है तो और भी आपको धीमी आंच पर ये गाढ़े करते रहना होगा। लेकिन मैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है, ये लोनावला में जैसा फज मिलता है वैसी ही रखने वाली हूँ। तो लोनावला में जैसे फज मिलता है उसकी कंसिस्टेंसी ऐसे थोड़ी सी पतली रहती है। वो जो अब अगर हमने फ्रिज में रखा तो वो चमचे के साथ हमने खाना पड़ता है, तो उसकी बर्फियाँ नहीं बन पाती है। तो वैसी ही कंसिस्टेंसी मैं आज रखने वाली हूँ। तो मैंने जैसे बोला, छोटे छोटे कंटेनर में अगर आप रखेंगे तो आपको मेहमानों को देने के लिए भी तकलीफ नहीं गिरेगी। अगर आप गाढ़ा कर सकते हैं तो गाढ़ा कीजिए, फिर आप बर्फी बना के उसकी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू आशीष सोमानी, थैंक यू ईला गुप्ता जी, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू अक्षता सोमानी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू रजिया, देखिए बहुत ज़्यादा, अभी ये देखिए अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अभी ये पोरिंग कंसिस्टेंसी हो चुकी है अभी इसकी। अब हम डाल सकते हैं प्लेट में, लेकिन थोड़ा सा और मैं इसको 2-3 मिनट तक चलाऊंगी फिर निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी इसमें हार्ड वर्क किया नहीं है, सब सिर्फ इंग्रेडिएंट मैंने एक पैन में डाल दिए हैं और गाढ़ा कर दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है, आप आराम से इसको बना सकते हैं घर पे बैठ के। और चॉकलेट है तो किसको पसंद नहीं आता है, चॉकलेट सबको पसंद आता है, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको पसंद आता है। और न्यू ईयर है तो इससे ज़्यादा बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला है।
और इसमें अखरोट है तो वो हेल्दी भी हो गया। आपके बच्चे अगर अखरोट अखरोट नहीं खाते हैं तो इस डिश को बना के देखिए, जरूर खाएंगे। अब देखिए, मुझे ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी ज़्यादा मैं इसे पकाने वाली नहीं हूँ, मैंने गैस बंद कर दिया है और ये मैं अभी एक पैन में निकाल लूँगी। तो मेरे पास ये एक पैन है, मैं अभी आपको जैसे बोला कंटेनर में नहीं निकाल रही हूँ, मैं अभी सर्विंग दिखाने के लिए इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको ये रखना है बना के तो आप छोटे छोटे कंटेनर में या बड़ा सा कोई भी ऐसे फ्लैट कंटेनर भी रहा तो भी चलेगा, ऐसे फ्लैट कंटेनर लेके उसमें निकाल लीजिएगा और फिर ढक्कन रख के फ्रिज में रख दीजिएगा। आराम से 15 दिन तक टिकेगा ये, कुछ भी नहीं होगा। क्रिसमस पे सबने केक बनाया होगा तो इस न्यू ईयर पे ये ट्राई करके देखिएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा और गाढ़ा होने लगा है, जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे गाढ़ा होने वाला है। तो अगर फ्रीज में रख देंगे तो इसकी बर्फियां भी निकाल सकते हैं। मेरे घर पे तो ये झट से फट से खत्म होने वाला है, ज्यादा दिन तक 15 दिनों तक तो नौबत ही नहीं आने वाली है। तो अभी देखिए, इसे मैंने कुछ पैन को पहले से बटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि हमने इसमें पहले से ही बटर डाल दिया था। तो ये ऐसे भी नॉनस्टिक पैन है, इसको कुछ होगा नहीं, वैसे चिपकेगा नहीं ये। तो ये थोड़ा सा मैं प्लेन कर देती हूँ ऊपर से और हम इसमें अभी अखरोट सजाने के लिए सिर्फ अखरोट डाल रहे हैं। अगर आपको सजाने के लिए और भी कुछ डालना हो, कौन सा भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। तो मैंने ये ऐसे हाफली क्रश किए हैं अखरोट, पाउडर नहीं बनाई है। पाउडर बनाई तो फिर उसका पता ही नहीं चलेगा कि हम अखरोट खा रहे हैं, तो बीच बीच में ऐसे बाइट में आना चाहिए, अखरोट के जो दाने रहते हैं वो आने चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे हाफली क्रश किया है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया, डिलीशियस, टेम्पटिंग लग रहा है। तो हमारी ये एकदम इजी झट से हो गई है रेसिपी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया लग रही है और बहुत ही इजी है। अगर जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल में भी है। मेरा यूट्यूब चैनल है SI कलनरी के नाम से, तो आप वहाँ पे जाके ये रेसिपी सर्च करके देख सकते हैं फिर से। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको डिश करने के बाद कैसे लगी, घर वालों को अच्छी लगी या नहीं। और भी बहुत सारी रेसिपीज हैं मेरे SI कलनरी यूट्यूब चैनल पे। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एन्जॉय योर डे एंड सी यू।